जी लग गया है ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। ब्रेक्स देखो कैसे आवाज कर रही है। फिर कुन्ने एक्चुअली डीजे की तरफ से माइक आया हुआ है, डीजे माइक 2, तो इसका थोड़ा सा शूट करने को था, रील वगैरह बनाने को थी। यहाँ पे भी है मिला आया भाई। है भूखा है, जोर से बोल भू। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो अभी हम लोग जिम ने लेके निकल चुके हैं सिसु के लिए। ओल्ड नाली वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि उसी चौक में बहुत लंबी लाइन लगी थी और पहले प्लान बन रहा था सेतन जाने का, फिर ये हो रहा था सिसु जाए, सेतन सिसु ही कर रहे थे हम। तो हमने क्या किया ऐसे, फिर एंड में चली मेरी तेरी नहीं चली वो, क्या हमने क्या बोलते उसको, अट्टा बट्टा ऐसे कुछ बोलते ना, टॉस। हाँ वो किया हमने, फिर हमने कहा चले काम करते हैं, अभी सिसु चलते हैं, सेतन बाद में तनिष्क भाई वगैरह आ रहे हैं उनके साथ चल पड़ेंगे। तो सिसु अभी सबको जाने नहीं दे रहे, फोन करके पूछा था मैंने, अलाउ नहीं कर रहे। थोड़ा सा फन करते हैं, बर्फ कितनी पड़ी है, बर्फ होगी स्नो राइड करेंगे और जिमनी लेके जा रहे हैं। जिमनी को टेस्ट नहीं किया हमने, जलोड़ी पास में भी नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हम जिमनी को टेस्ट करेंगे। और एनर्जी है आज, हाउ इज द जोश? हाय सर। चलो फिर लेट्स गो। गाइस हर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइज लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसका फायदा ही नहीं उठा रहे हो। लेकिन जो असली खिलाड़ी है उन्होंने तो बाजी मार ली है, तो इनसे मिलो। ये है नरेंद्र सिंह बघेल, इन्होंने जीत लिया है एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। हर वीडियो में एक नया आईफोन विनर बन रहा है, आप भी जीत सकते हो, बस वीडियो को ना एंड तक देखते रहो। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं, व्लॉग में एंड तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार दिखाओ कमेंट में और फन करते हैं और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं इस व्लॉग को। इतने दिन से लेके मौसम खराब ही है, आज भी खराब है, बारिश बर्फ नहीं पड़ रही है लेकिन पूरा क्लाउडी है। सिसु साइड का ऐसा ना हो ना कि हम सिसु पहुंचे और बारिश या बर्फ स्टार्ट हो जाए। बर्फ स्टार्ट हो तो अच्छी बात है, बारिश नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। गूगल मैप्स में चेक किया हमने, ट्रैफिक सिर्फ यहीं पे दिखा रहा है और बैरियर तक, इसका मतलब ये कि अभी सिसु के लिए आगे जाने नहीं दे रहे होंगे। यहाँ से लेके जो अंजनी महादेव वाली पार्किंग है ना, वहाँ तक ही ट्रैफिक लगा हुआ है सारा, उस साइड से भी लाइन आ गई है। नींद आ रही है? इस बंदे का भाई। हमारे पीछे पीछे टिंकू भी आ रहा है जिप्सी में और सिसु जाने दे रहे हैं सिर्फ 4x4 गाड़ियों को। और सिसु की तरफ को लेफ्ट साइड को मतलब रास्ता साफ नहीं किया हुआ है, खोक्सर साइड को रोड क्लियर किया है, मतलब लेफ्ट साइड को जो हेलीपैड वाला एरिया था ना वहाँ पे बर्फ है काफी ज्यादा, तो वो कह रहे हैं कि उस साइड को नहीं भेज रहे किसी को भी, तो देखते हैं खोक्सर ही जाएंगे हम लोग। हमको तो स्नो राइड करनी है थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं है यार। ये जो सारा ट्रैफिक लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है बस यहीं पे, ये देखो यहाँ पे सारा ट्रैफिक लगा। इसके बाद ये जो ऊपर टर्न है सुलांग वाला ना, ये खाली है और नीचे से देखो बीच बीच में रेड है सर। हम यहाँ से लेके ट्रैफिक में फंसते हुए ऐसे ऐसे करके आए हुए हैं, बस ये ट्रैफिक से यहाँ से एक बार निकल जाए हम लोग, पुलिस वाले भी आगे निकालने के लिए। बस थोड़ा सा ही रह गया, बस ये टर्न रह गया ऊपर वाले ने, यहाँ ऊपर टर्न तक रोक रहे हैं, उसके बाद हम फ्री है, हम जा सकते हैं फिर। सोलांग में बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, खाली हो गई सारी। ऊपर जहाँ हम स्नोबोर्डिंग करने गए थे ना फातरू लिफ्ट से, वहाँ पे भी बिल्कुल बर्फ नहीं है, ग्राउंड सूख गया सारा। और आज डेट है 1st of April। और एक और चीज, आज है 1st of April, मेरे को मेरे दोस्त फोन करके ना अप्रैल फूल बना रहे, धीरज का फोन है ना, अप्रैल फूल बना रहे फालतू में यार। मैंने कहा यार बचपन में होती थी ये चीजें अप्रैल फूल, ये आजकल तो बंदा सीरियस ले लेता है। और उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, मैंने सीरियस ले लिया। मैंने कहा भाई, मैं सच में है ना, हम तो गाड़ी मोड़ रहे थे, हम तो डिसाइड करे। मैंने कहा यार ऐसे बोल रहे, मैं कुछ पर्सनल चीज थी, मैंने कहा गाड़ी मोड़ दूं मैं वापस, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए यार, बचपन में ठीक लगती थी अप्रैल फूल। बड़े हो के नहीं यार, बड़े हो के हम सीरियस ले लेते हैं बातों को। पैरियर से हम लोगों को अलाउ कर दिया 4x4 गाड़ियों को जाने दे रहे हैं आगे, ठीक है। एंड बर्फ थोड़ी पूरी है साइड में, बट इस साइड सुलांग वाली साइड नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्नोबोर्डिंग करने आए थे उस टाइम कितनी बर्फ थी देखो, बट अभी उतनी बर्फ नहीं बची है। तो सिसु साइड देखते हैं, सिसु साइड की ब्यूटीफुल व्यूज जो है वो आपको दिखाते हैं। डेट याद रखना, आज है 1st of April, 1st of April की सीन दिखाते सारे आपको। कबीर निकल गया, हम लोग कैसा लग रहा है? एनर्जी आ गई, देखा मेरे को पता था, मैंने इसको बोला भी था, मैं सुलांग पैरियर क्रॉस करेंगे ना एनर्जी आ जाएगी और सामने की व्यूज एंजॉय करो। ज्यादा बर्फ पड़ी यहाँ पे, ये देखो साइड में रोड में, लास्ट टाइम जब मैं आया था बिल्कुल भी नहीं थी, ये सारा ना बिल्कुल क्लीन था, काफी ज्यादा बर्फ पड़ी है। वी, वी। पूरे पूरे मजे ले रहा है कबीर, ये बर्फ में डाल रहा है भाई जानबूझ के।
भाई स्नो राइड का जो मजा मनाली में आता है ना वो कहीं नहीं आता। मान गया टू व्हीलर में ऐसे निकल जा रही है यार, तो चलो ठीक है पर बहुत कम है मानता हूँ पर फिर भी। लेकिन मैं क्या बात कर रहा था, जो मजा मनाली में स्नो राइड करने का है ना वो जलोड़ी में नहीं आया हम लोगों को मजा उतना, और सामने के व्यूज तो अल्टीमेट है। चलो जी लग गया है ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, क्योंकि रोड पूरा क्लियर नहीं हुआ ना अभी तक, तो आगे से भी गाड़ी आ रही है यहाँ से भी आ रही है, फंस रही है। और इस थार मैंने बड़ा दुखी है, जाने नहीं दे रहा यार। एचपी नंबर की गाड़ियों को अलाउ कर रहे हैं, साथ में 4x4 अगर बाहर की भी टूरिस्ट की गाड़ी भी उनको भी भेज रहे हैं, सारी चली हुई है। चलिए बात कर लेते हैं कैसे आप लोग जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 वो भी सिर्फ 1 रुपए में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 3 अप्रैल को टाटा आईपीएल का मैच है दिल्ली वर्सेस कोलकाता के बीच में। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से My11Circle को डाउनलोड करो और अभी अपनी टीम बनाओ। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एक ब्रांड न्यू आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की जो एंट्री फीस है वो है सिर्फ 1 रुपए, और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 अप्रैल वाले मैच के लिए ही वैलिड है। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे दिए हुए एक्टिवेशन लिंक से ही ये एक्टिवेट होगा, तो पिछली बार आप लोगों ने मिस कर दिया था, इस बार मिस मत करना। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, और इसमें जो मिनिमम प्राइस है वो है 1 करोड़ रुपीज, और सोचो और कितने बड़े बड़े प्राइजेस होंगे इसमें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो, और मेरे दिए हुए कूपन कोड को अगर आप यूज करते हो तो आप लोगों को फर्स्ट डिपॉजिट पे ही मिलेगा 20% कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, नाउ मेक योर टीम ऑन My11Circle फॉर दिल्ली वर्सेस कोलकाता। और हाँ, इस बार My11Circle टाटा आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर भी है। चैनल के पास पहुंच गए हम लोग, और बर्फ है यहाँ पे, थोड़ी पूरी बर्फ है यहाँ पे। तेरे को पता है क्या थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, ऊपर से एवलांच आया ना, वो देख जो टनल गया लिखा नहीं है सब मिट गया ना, सारा मिट गया, ऊपर से पूरा एवलांच आया था, यहाँ पे लिखा हुआ था अटल टनल रोहतांग, एवलांच की वजह से टूट गया सारा का सारा, और इसको क्लियर करने में भी टाइम लगा था काफी ज्यादा। कबीर को मैं बोल ही रहा था जब भी विंटर्स के टाइम पे सीसू आना है ना हमेशा सनग्लासेस चाहिए, क्योंकि भाई सर दर्द होना स्टार्ट होता है, आंखों में दर्द। और ये देखो अभी जैसे टनल आने वाली थी ना, कबीर का क्या रिएक्शन था, क्या था भाई, एकदम से व्हाइट हो गया, एकदम से व्हाइट हो गया। और ये है सिसु के नजारे, बढ़िया नजारे, सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर। मैं बहुत टाइम बाद आया हैं, मैं कब आया लास्ट, जब मैं वहां गया था स्पीति किया था, उसके बाद नहीं आया ना, अक्टूबर में रैली के टाइम नहीं, नवंबर में लास्ट। सुंदर हो गया सिसु काफी ज्यादा, तो अभी देखते हैं। लेफ्ट साइड को तो बोल रहे थे जाने दे रहे, ये दे रहे हुए देखते हैं, या हम खोखसर साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड कहीं भी चल पड़ेंगे। दुबा मेरे को बोला कि इस साइड को रोड थ्रू नहीं किया हुआ है, इसलिए सबको खोखसर साइड भेज रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जितने भी टूरिस्ट है सारी गाड़ियां है वो अटल टनल के ऑपोजिट साइड है, और एवलांच आया हुआ है यहाँ, कितना बड़ा, ओ भाई ह्यूज, क्रेजी, दिस इज ह्यूज, बहुत ह्यूज आया है यहाँ ऊपर से, इस गैलरी से आया है, दिस इज ह्यूज, यहाँ पे भी एवलांच आया भाई, छोटा है छोटा। हेलीपैड की तरफ एक तो ट्रैफिक लगा हुआ था, और उस साइड को था भी कुछ नहीं, तो अभी हम खोखसर की साइड को जा रहे हैं, देखते हैं जहां तक जाने देंगे वहां तक निकल जाएंगे। लंच करने के लिए रुक गए थे हम, परे लंच कर लिया है, खोखसर को भी आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आगे बैरियर लगा हुआ है, एंड इतना ही था बस यहाँ पे, यहाँ से चलते हैं वापस। चले भाई जी, तेरा क्या मन कर रहा है, कुछ नहीं, कुछ इसका स्नो राइड करने का मन कर रहा है, लेकिन बर्फ ऐसी स्नो राइड करने लायक है ही नहीं, साइड साइड में थोड़ी बर्फ है तो डाल दे ऐसी, उतना कुछ नहीं है ना, उतना कुछ नहीं, मतलब हमारे लिए जो हम सोच के चले हैं ना स्नो राइड करनी है, उतना कुछ नहीं, तो ऐसी बर्फ में डाल रहा है साइड में, नहीं मत ऐसी मजे ले रहा है, तो वापस चलते हैं। अब टनल की दूसरी साइड चलते हैं, वहां पे शूट करते हैं, एक स्पॉन्सर के लिए ना, मेरे को डीजे के लिए रील भी शूट करनी है, वो कर लेंगे जाके। बर्फ तो हमको कहीं मिली नहीं, थोड़ी सी यहाँ मिली हुई है, डाल देते गाड़ी, जिमनी कैपेबल है यार काफी नाइस, यार बहुत ज्यादा कैपेबल गाड़ी है। अभी ना हमको थोड़ा शूट वगैरह करना है डीजे के लिए, तो वो कर लेते हैं यहाँ पे, व्यूज काफी अच्छे हैं यहाँ के। ब्रेक्स देखो कैसे आवाज कर रही है, देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे, ये हो पता क्या रहा है, ब्रेक की गर्म हो गई है ना और पानी जा रहा है, देखो ये देखो भाई, मेरे को ना एक्चुअली डीजे की तरफ से माइक आया हुआ है, डीजे माइक 2, तो इसका थोड़ा सा शूट करने को था, रील वगैरह बनाने को थी, एंड जब कबीर आया हुआ था यहाँ पे, पर्सपेक्टिव से वेरी गुड माइक है ना भाई, फिल्म मेकर के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत अच्छा माइक है, इससे ऊपर कोई माइक नहीं है डीजे से ऊपर, हमने और भी माइक्स आज तक यूज किए, कबीर ने स्पेशली, कबीर ने काफी माइक्स यूज किए, लेकिन इसको खुद को ये पसंद आया माइक काफी ज्यादा, मैं इसको कम से कम बता रहा हूँ 1 महीने से लेकर यूज कर रहा हूँ भाई, अगर आप लोगों को माइक पे अपग्रेड करना है ना, इतना बोलूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डीजे का माइक 2, वर्थ बाइंग। तो अभी हम लोग वापस निकल रहे घर को, ज्यादा कुछ करने को आज था नहीं, सोचा तो था हमने एक्सट्रीम वाली स्नो राइड करेंगे, लेकिन यार स्नो राइड करने लायक बर्फ ही नहीं है, अब से हाँ वहाँ कर सकते हैं।
यार आप वो ये भी बोला सिसु में भी कर सकते हैं। सिसु में मेरे को लगा ना बर्फ होगी, लेकिन यार बर्फ पड़ी थी वो एकदम गायब हो गई। तेरे को वीडियो रास्ते के कोने में मजे लिए जा रहा हूँ। पिछले कल मैंने तेरे को वीडियो दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी बर्फ वाली? पिछले कल रात की इसको मैंने वीडियो दिखाई, बर्फ काफी ज्यादा थी, स्नो राइड कर रहे थे बंदे। लेकिन आज हम आए तो क्लियर सबका वही तो, और आज हम आए तो रोड हमको ऐसा मिला है साफ, बिल्कुल साफ, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हम स्नो राइड कर सके। तो सेतन बची एक जगह, अगर वहाँ मिली तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर देखते कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन एक लास्ट स्नो राइड हम जरूर करेंगे वो भी क्रेजी वाला। पहुंच गया उसको तंग करूंगा जाके मैं। आज कहा कल कबीर का बर्थडे है, कल सेकंड है ना, सेकंड को इसका बर्थडे कल। बाकी व्यूज काफी अच्छे हो गए बाहर के। अभी घर पहुंच गया, गाड़ी लगा दी है और कबीर गया हुआ है नीचे ना रूम में, बैग रखा हुआ है, बैग लाना है उसने, उसने तनिष भाई के वहां जाना है। एंड साथ में अबीरा भी आ गया। अबीरा, अच्छा ये एक चीज देखो, अबीरा किसकी गाड़ी है ये, जोर से बोलो किसकी है ये। यार बीमार है थोड़ी सी यार। अबीरा मामा यहाँ देखो, किसकी गाड़ी है? मामा की है। आपको मजा आ रहा है? चलो घूमी घूमी चलना। हाँ बोल, इसकी आवाज ही निकल रही, बीमार है दो तीन दिन से लेके। मेरा कुकलू अबीरा, आपकी नोजी खाऊं? नोजी क्या है आपकी, बताओ सबको बताओ, जो नोजी का है। गियर पकड़ रही। गाड़ी चलानी आती है आपको? अभी आपको गाड़ी चलानी आती है क्या? क्या चलो चलो लेट्स गो। कबीर इज गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू तनिष्क यार। अच्छा अब उनकी क्लास लगाएगा? नहीं क्लास लगा नहीं, मैं भी आया, अभी आ रहा हूं। नहीं मैं भी आया थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ मैंने रखे, ठीक है कबीर, सी यू, मिलता हूँ अगर मैं आया तो। यार ये नहीं, एक बात बता, कल तेरा बर्थडे क्या कर रहा है? देखते हैं। नहीं पार्टी दे रहे? हाँ चलो ठीक है, अगर आओगे तो। कैजुअली बोला इसे, देखो ना अगर आप आओगे तो। देखा ना, अगर आप आओगे तो। नहीं अगर मैं आ गया, देखा ना। हाँ। पक्का? पक्का। चल ठीक है, ऐसे जाना पड़ेगा, कल इसका बर्थडे है। देखते पहले घर चलते, मेरे को एक्स्ट्रा फाइल्स भी भेजनी है भाई को ना, तो दो तीन फाइल्स ने वैसे चिल्लोड़ी गए थे, फाइल्स भेजने, फाइल्स भेजते उनको और उसके बाद फिर निकलते तरीश भाई के वहाँ पे। बोलो बू, कहे बू, कहे जोर से बोलो बू। वुशी को बोलती है एक्चुअली, बताए बोलो वुशी आ जा, बोलो आजा, बड़े प्यार से बोलती है, बोलो वुशी आजा, बोलो आजा। अच्छा वुशी का है, आप वुशी के पास जाना, वुशी के पास जाना आपने। हमने एक्चुअली ऑफिस आया, नीचे से चिल्ला रही थी बू बू, बोलो वुशी क्या है, वुशी क्या है। अभी मैं अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा हूँ वशिष्ठ चौक तक, और हमारे यहाँ पे वशिष्ठ में ना पार्किंग बन रही है या पता नहीं क्या बन रही है, बट ये जेसीबी लगा हुआ है, ठीक है, पोकलेन, पोकलेन बोलते शायद इसको, ये लगा हुआ है और खोद रहा है पूरा। वुशी भी आ गया, वुशी हाउ आर यू, वुशी हाउ आर यू। मैंने अपनी बहन को लेने के लिए चला गया था, बाकी गाड़ी चला देता वापस यहाँ पे। ओ यार आराम से मोनिका, भाई दिल में लगती है जब इतनी जोर से कोई दरवाजा मारता है। यार दरवाजा पता कैसे बंद होता है ये ना, ऐसे बाकी लोग पता कैसे मारते हैं, ऐसे इतनी जोर से नहीं मारना यार, आराम से। दो तीन दिन से लेके मैं भी बीमार हूँ, अबीरा भी बीमार है, तो अभी अबीरा घर लेके जा रहा हूँ मैं। बाकी एक काम करते हैं, अभी घर चल के रेस्ट करने वाला हूँ और थोड़ी देर बाद निकलेंगे फिर तनिष भाई करके वहाँ पे। सोच के चला था मैं अराउंड 7:30 बजे निकलूंगा उनके वहाँ पे, लेकिन अभी 10 बज गए रात के और सो गया था,
मेरी ना दो तीन दिन से लेकर तबियत थोड़ी डाउन डाउन सी है और रोज रात को बुखार चढ़ता था, ठीक है, जुकाम वगैरह लगा हुआ था, तो वही अभी हल्का सा बुखार चढ़ा मेरे को और मैं पता नहीं पूरी बॉडी गर्म हो गई थी, सो ही गया मैं पैंट वगैरह के साथ, ऐसे ही सो गया और अभी भी हल्का हल्का हेडेक हो रहा है। लेकिन कबीर का बर्थडे जाना जरूरी है, तनिष भाई वगैरह मेरे को कॉल पे कॉल करे कब से, जैसे मैं उठाने का 18-20 मिस कॉल है मेरे को कई लोगों की। बाकी अभी मैं निकल गया हूँ, ठीक है, 10 बज गए, हाँ 10 बज गए मैं निकल गया हूँ, मेरे को जाना है 18 किलोमीटर दूर करजा और ट्राई कर रहा हूँ मैं कहीं पे इस टाइम केक मिल जाए, तो देखते हैं। वैसे तो खुला ही होता है मनाली ना, इस टाइम पे ढूंढते जाके केक। तो कबीर के लिए केक मैंने ले लिया है और साथ में अपने लिए भी एक कप केक ले लिया मैंने ना, तो बस निकलते हैं यहाँ से मार्केट में। शुक्र है मेरे को एक फ्रेंड की दुकान है यहाँ पे ना कि बेकरी, वो खुली मिल गई तो उसके पास चला गया था मैं लेने के लिए। बाकी अभी आदित्य भाई भी आ रहे हैं, ठीक है, उनसे भी मैं मिल लेता हूँ, वो भी पिछले कल के आए हुए हैं, उनसे मिल लेता हूँ और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से करजा। मेरे को लेफ्ट बैंक वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, जो सेतन वाला रास्ता ना प्रीनी वाला, उस रास्ते से निकलना पड़ेगा, करजा उस रास्ते में आता है और यहाँ से कम 15 या 16 किलोमीटर होगा मनाली से, न्यू मनाली से करजा। हाँ जी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बिल्कुल। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये लीजिए, मैं ऐसे ऐसे ये पकड़ो, केक छुपाना पड़ेगा कबीर से। प्रॉपर्टी में पहुंच गया हूँ मैं, गाड़ी पार्क कर दी है और चलते ऊपर। क्यों? गाड़ी दे रहा मेरे को, मैंने इसको बोला था मैं नहीं आ रहा हूँ। कितनी दूर पहुंचा बताएगा? 18-20 किलोमीटर रात को। गाइस 12 बज गए, 12 बज गए है, कबीर का बर्थडे है, कबीर का केक आ गया यहाँ पे, बस इसका उथल पुथल ना हो गया हो क्योंकि गाड़ी में गिर गया था। ओह शिट शिट यार, जो लिखा था यार, मैंने एक चीज लिखी हुई थी यहाँ पे वो चली गई यार। हुआ क्या आगे वाले, एक तो ब्रेक मारी गाड़ी वाले ना और मैंने ब्रेक मारी और ये जो लिखा था ना, क्या लिखा था यहाँ पे बता दे। माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप भी जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में, और लिंक से डाउनलोड करने पे आप लोगों को मिल सकता है 1 करोड़ रुपए, एसयूवी कार्स और भी उससे बड़े बड़े प्राइजेस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है, जाओ अभी जाके अपनी टीम बनाओ। क्या लिखा था? जनाज। कबीर हैप्पी बर्थडे यार, बुड्ढा हो गया तू यार, 1 साल। और निकी भाई भी आ गए यहाँ पे। हाँ जी, हेलो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday dear Kabira, happy birthday to you. Thank you. बुड्ढा तू हो गया है, ये मेरे भाई बुड्ढा हो गया है। बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ओ भाई भर दिया। मैं भी लगाऊंगा अब तो। अब तो मैं भी लगाएगा कभी, थोड़ा सा लगा लो यार भाई, कितने प्यार से लगा रहा है, यहाँ पे लगा दो। नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे। इस घर निकल रहा हूँ मैं, हैप्पी बर्थडे कबीर, कल फिर से पार्टी करेंगे। ओके जी, सी यू। ओके ओके, सरप्राइज है कल, ठीक है। घर को यार लेट काफी ज्यादा हो गया यार, मैं ना यहीं पे स्टे कर लेता लेकिन एक चीज है कि मेरे को घर निकलना पड़ेगा क्योंकि सुबह व्लॉग वगैरह भी एडिट करना है ना, तो फिर आराम से व्लॉग भी एडिट हो जाएगा अगर यहीं पे रहूंगा। अभी 1 बजे सिर्फ यहाँ से 20-25 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा मैं, अराउंड 15-16 किलोमीटर है, तो 20-25 मिनट में घर पहुंच के आराम से रेस्ट करेंगे, सुबह व्लॉग एडिट करेंगे और बस निकलते हैं आराम से एंजॉय करते हुए। ऑलमोस्ट 2 बज गए, घर पहुंच गया हूँ मैं, गाड़ी पार्क करते चलते हैं घर को और आज के व्लॉग को ये एंड करके ना आपको मिलते कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ और बस निकलते घर को, लेट्स गो। Minimum stress, that's your best, classic dress.